हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजय स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोहिबिटेड आर्टिकल यानी कि प्रतिबंधित ढांक वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि ट्रांसमिशन लाइक नहीं हो, जिनका ट्रांसमिशन आसानी से नहीं हो सकता हो, या किसी भी तरीके से बैन हो, या ऐसे आर्टिकल जिन्हें ट्रांसमिट इंडिया पोस्ट के द्वारा नहीं किया जाता है, उनको डिस्कस किया है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में। और ये जो चैप्टर है वो यो गाइड पार्ट फर्स्ट से है। और ये जो क्लास है हमारी वो एक थ्योरी क्लास होने वाली है, और थ्योरी में भी एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास क्यों है? क्योंकि इसके बाद थ्योरी में इसका कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। इनके सभी टॉपिक्स को थ्योरी के रूप में इसको कवर किया गया है, और ये प्यो गाइड पार्ट फर्स्ट का सेक्शन नंबर 4 में है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, और क्लॉज नंबर 209 से 214 तक ये दिए हुए हैं। यानी कि छोटा सा ही टॉपिक है, 5 से 6 इस पर क्लॉजेज हैं, ज़्यादा भी नहीं है इसमें। तो बेसिकली प्रश्न क्या पूछा जाता है कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स किस सेक्शन में है, तो आंसर होगा सेक्शन नंबर 4 में है। या पूछ सकते हैं कि सेक्शन नंबर 4 है वो किससे संबंधित है, तो वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल या प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित है। और नया प्रश्न ये भी बन सकता है कि सेक्शन 4 या प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स को किन किन क्लॉजेज में बताया हुआ है, यानी कि वो कहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्लॉज नंबर 209 से 214 तक प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स को दिया हुआ है, और ये प्यो गाइड पार्ट फर्स्ट से है। नेक्स्ट जानते हैं, जहाँ भी आपको प्रतिबंधित ढांक वस्तुएं या प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स या निषिद्ध वस्तुएं निषिद्ध वस्तुएं लिखा हुआ दिखाई दे, उसका मतलब एक ही है। यानी कि निषिद्ध वस्तुएं, प्रतिबंधित ढांक वस्तुएं या प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स एक ही बात है, और ये प्यो गाइड पार्ट फर्स्ट के सेक्शन नंबर 4 में है, और प्यो गाइड पार्ट फर्स्ट का क्लॉज नंबर 209 से 214 तक ये लिखे हुए हैं, या क्लॉज नंबर 209 से 214 तक दिए हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं जनरल प्रोविजंस के बारे में, यानी कि सामान्यतः किन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है डाक विभाग के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं करना है। यानी कि इंडिया पोस्ट लगभग किन वस्तुओं को या किन किन डाक वस्तुओं को या किन किन आर्टिकल्स को या किन किन शर्तों पर किसी भी डाक वस्तु को ट्रांसमिट नहीं करता है, या उन्हें आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, या उन्हें बुक ही नहीं करता है। तो कुछ भी जो कुछ समय के लिए लागू हो किसी अधिनियम के उल्लंघन में भेजा जाता है। बेसिकली ये है कि कुछ भी, यानी कि कोई भी ऐसी डाक वस्तु जो कि टेम्परेरी रूप से अगर उस पर कुछ प्रतिबंधित है, या कोई ऐसा कोई रूल्स है या ऐसा कोई रेगुलेशन है जिसका वो जो आर्टिकल है वो किसी भी तरीके से उल्लंघन करता है, तो उसे भेजा नहीं जा सकता है। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट में है कि कोई भी अभद्र से मतलब कोई भी गंदी चीज़ या अश्लील मुद्रण, यानी कि कुछ अलग कुछ गलत सा उस पर टाइप किया हुआ हो। मुद्रण से मतलब है प्रिंटेड से, यानी कि या तो कुछ गलत दिया हुआ, बुरा दिया हुआ, अभद्र दिया हुआ, अशोभनीय दिया हुआ हो, जैसे देखने पर बुरा लगे या जैसे देखते ही गलत फीलिंग आए, उसे बोलते हैं अभद्र या अश्लील मुद्रण। तो कोई भी अभद्र डाक वस्तु हो, या ऐसी कोई पेंटिंग हो, या फोटोग्राफ हो, लिथोग्राफ हो, या उस पर ऐसा कोई उत्कीर्णन हो, या कोई ऐसी पुस्तक या कार्ड हो, या कोई अन्य अभद्र या अश्लील आर्टिकल हो, ये सभी प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है, इंडिया पोस्ट के द्वारा इन्हें ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी पत्र, पोस्ट कार्ड, अखबार, पैकेट या पार्सल, उस पर यानी कि या तो कोई लेटर हो, पोस्ट कार्ड हो, न्यूज़पेपर हो, पैकेट हो या पार्सल हो, या तो उस पर कुछ लिखा हुआ हो, या उसके जो भी कवर करके लेके आते हैं, उसको पैकिंग करके लेके आते हैं, उसके कवर पर अगर कुछ अभद्र दिया हुआ हो, अश्लील बातें हो, देशद्रोही से संबंधित ऐसा कुछ दिया हुआ हो, या कोई धमकी वगैरह दी हुई हो, यानी कि मोटे तौर पर ऐसी कोई भी गलत चीज़ दी हुई है, या ऐसा कोई निशान है या डिज़ाइन है जो कि प्रतिबंधित है, ऐसी सारी चीज़ें इंडिया पोस्ट के द्वारा भेजी नहीं जाती हैं। ये सभी प्रोहिबिटेड होती हैं, निषिद्ध होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। तो कोई भी विस्फोटक, ज्वलनशील, हानिकारक पदार्थ, खतरनाक पेट्रोलियम, धारदार औजार जैसी चीज़ें भी डाक के द्वारा नहीं भेजी जाती हैं। कोई भी नुकीला उपकरण हो, यानी कि जैसे नाइफ, चाकू को कह सकते हैं, चाकू हो, तलवार हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नुकीली हो, जो कि ठीक ढंग से उससे
कवर नहीं किया गया हो, प्रोटेक्टेड नहीं किया हो, संरक्षित नहीं किया गया हो, वो भी प्रोहिबिटेड है, वो भी नहीं भेजी जा सकती है डाक के द्वारा। कोई भी जीवित जीव हो या अन्य कोई वस्तु जो अन्य डाक वस्तु को नुकसान पहुंचा सके वो भी प्रतिबंधित होती है। बेसिकली कोई जीवित जीव हो जिसमें जान हो, यानी कि सो सकते कोई जानवर भी हो या कोई मनुष्य हो, उसे जीवित है उसे नहीं दे सकते हैं। या कोई ऐसी कोई डाक वस्तु है जो कि किसी बैग में बंद की जाएगी तो उसके साथ जितने भी आर्टिकल्स रखे होंगे उनको वो नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये भी आर्टिकल प्रतिबंधित होगा। बेसिकली प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था। प्रतिबंधित नहीं है से मतलब कि प्रतिबंधित का मतलब हो गया कि कोई चीज़ भेजी नहीं जा सकती है। प्रतिबंधित का मतलब ये है कि उस पर रोक लगाई गई हो और कहीं पर लिखा हुआ हो कि नहीं प्रतिबंधित हो, यानी कि उस पर रोक नहीं लगाई गई हो, तो बेसिकली क्या हुआ इसका आंसर, निकल के आएगा पॉजिटिव में। प्रतिबंधित शब्द निषिद्ध शब्द, प्रोहिबिटेड शब्द नेगेटिव है, अगर उसके सामने नहीं लगा देंगे तो वो जो चीज़ है या जो जो आर्टिकल है उसे भेजा जा सकता है। बेसिकली ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें एक ऑप्शन दिया होता कि कोई भी नुकीला उपकरण जो कि ठीक ढंग से संरक्षित हो, क्या उसे प्रतिबंधित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नुकीला उपकरण तो है लेकिन उसे ठीक ढंग से संरक्षित किया गया था। यानी कि नुकीले उपकरण को अगर ठीक ढंग से उसकी पैकिंग करेंगे तो वो प्रोहिबिटेड नहीं होगा। अगर उसे सही ढंग से प्रोटेक्टेड नहीं करेंगे, कवर में पैक नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, तो उस केस में वो प्रोहिबिटेड माना जाता है। बेसिकली प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था इस ऑप्शन से कि कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो कि सही ढंग से प्रोटेक्टेड है, क्या उसे बाई पोस्ट भेज सकते हैं? तो इसका आंसर था बिल्कुल भेज सकते हैं। अगर नुकीला उपकरण ठीक ढंग से प्रोटेक्टेड नहीं है तो उस केस में उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस थी जिनको नहीं भेज सकते हैं। तो लॉटरी से संबंधित कोई टिकट है या कोई प्रस्ताव है या ऐसा कोई विज्ञापन है जो कि गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए बनाया गया है, तो वो भी बाई पोस्ट प्रतिबंधित है। किसी भी लॉटरी से संबंधित या अन्यथा वर्णात्मक कोई ऐसा अन्य मामला हो जो व्यक्ति को उस लॉटरी में भाग लेने में प्रलोभन का कार्य करता है। बेसिकली या तो वो कोई लॉटरी हो या कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट हो या कोई ऐसी कोई बात हो या कोई ऐसा लेख हो जो कि इस लॉटरी सिस्टम में या इस गलत चीज़ में वो पार्टिसिपेट करने के लिए वो प्रलोभन का कार्य करता है, यानी कि लालच का कार्य करता है, तो ऐसी चीज़ें भी प्रोहिबिटेड है। लॉटरी भी प्रोहिबिटेड है, यानी कि ऐसी सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। सोने के सिक्के या बुलियन या दोनों जिनका मूल्य 10,000 रुपये से ज़्यादा हो वो भी प्रोहिबिटेड है, यानी कि इनको बाई इंश्योर्ड ही दे सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें क्या है, प्रतिबंधित है, अगर इसकी वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो। लोकल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, यानी कि अभी तो जनरल प्रोविजंस की बात कर रहे थे, अब करेंगे हम लोकल में क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं। जैसे कि ओपियम, मोर्फिया, कोका के पत्ते, भारतीय गांजा जिसे चरस, भांग या गांजा भी कहते हैं, अन्य ड्रग्स जो कि चिकित्सा के उद्देश्य में काम आते हैं तो उन्हें भेजा जा सकता है, बाकी अन्य काम के लिए इन्हें उपयोग किया जाएगा तो ये भी प्रोहिबिटेड है। यानी कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि गलत हैं वो सभी इंडिया पोस्ट के द्वारा प्रोहिबिटेड होती हैं, उन्हें बाई इंडिया पोस्ट के द्वारा भेजा नहीं जा सकता है। अब ट्रीटमेंट क्या है इंजूरियस आर्टिकल्स का, अगर कोई इंजूरियस आर्टिकल है तो उस केस में क्या करना है। तो ऐसे किसी भी मामले में जब पोस्टमास्टर को ये पता चल जाता है कि ये जो डाक वस्तु है या इसके अंदर कोई ऐसी डाक वस्तु है जो कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है या अन्य जो आर्टिकल्स उस बैग में बंद होंगे उनको, उन आर्टिकल्स को ये डाक वस्तु अगर किसी कारणवश नुकसान पहुंचा सकती है या पोस्टल एम्प्लॉइज को अगर कोई डाक वस्तु किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस केस में पोस्टमास्टर क्या करेगा। पोस्टमास्टर ये निर्देश देते हैं कि ऐसी शंका वाली वस्तुओं को, ऐसी डाउट वाले पोस्टल आर्टिकल्स को वो रोक सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, और उस मामले में आदेश प्राप्त करने के लिए जो कि सर्किल अध्यक्ष होंगे उनको सूचना देंगे। अगर ये इरेगुलरिटीज़ है, अनियमितता है, वो प्रेषक डाकघर में ही पकड़ी जाती है, यानी कि जहाँ से बुक होता है आर्टिकल, जहाँ से डिस्पैच होता है, जहाँ से बुक होता है उसे कहते हैं प्रेषक डाकघर। अगर ये इरेगुलरिटीज़ वहीं पर पकड़ ली जाती हैं तो उन्हें क्या करना है, तो सबसे पहले तो सेंडर को वापस करेंगे, अगर सेंडर अगर मौजूद में है तो, यानी कि अगर भेजने वाला अगर इस कंडीशन में आपके पास में है तो उनको तत्काल ही उनको सौंप देंगे कि आपकी डाक वस्तु को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी गलतियां बाद में पकड़ी जाती हैं तो उन डाक वस्तुओं को कहां पर भेजेंगे,
पुनः प्रेषण केंद्र यानी कि रिटर्न लेटर ऑफिस होती है, आरएलओ होती है, रिटर्न लेटर ऑफिस आरएलओ होती है, जहां पर ऐसे आर्टिकल्स को भेजा जाता है जिनको कोई क्लेम करने वाला नहीं हो, यानी कि जिन पर सेंडर का एड्रेस नहीं हो, अगर वो कोई डाक वस्तु लौट के आती है तो उस केस में आरएलओ भेजी जाती है, यानी कि जिन डाक वस्तुओं को कोई क्लेम करने वाला नहीं होता है उन्हें आरएलओ भेजा जाता है। तो अगर ये गलतियां बाद में पकड़ी जाती हैं तो उन्हें कहां पर भेजा जाता है, उन्हें भेजा जाता है आरएलओ में। वो आरएलओ में सबसे पहले पिंस को निकालेंगे, यानी कि जिस तरीके से वो बंदी होती है पिंस वगैरह से उनको निकालेंगे और देन उनको लौटाते हैं पुनः प्रेषण केंद्र के माध्यम से सेंटर को लौटाते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविटेड और ड्यूरेबल आर्टिकल्स का क्या है, अगर कोई ड्यूरेबल आर्टिकल है या प्रोविटेड आर्टिकल है तो उनके साथ में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है इसे भी देख लेते हैं। तो प्रतिबंधित और शुल्क देय वस्तुओं के मामले में यदि ऐसी कोई वस्तु जिस पर केवल शंका हो यानी कि डाउट ही हो उस पर, यानी कि पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि इसमें ऐसा कोई आर्टिकल है जो कि गलत है, अगर श्योर नहीं है कोई तो सिर्फ और सिर्फ शंका है, तो उस पर संदेहास्पद लिखकर, संदेहास्पद लिखेंगे हिंदी में या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसे डाउटफुल। अगर उस पर क्या लिख देंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ शंका है तो उस पर क्या लिख देंगे, उस पर लिख देंगे डाउटफुल। डाउटफुल लिखने के बाद में उसे जहां पर इसका जो डिलीवरी होनी है गंतव्य डाकघर है जहां इस डाक को पहुंचना है वहां के लिए भेज देते हैं, और जो भी इसका पाने वाला है उस व्यक्ति की प्रेजेंस में, उस व्यक्ति की प्रेजेंस में यानी कि वो व्यक्ति जब पहुंच जाएगा वहां पर उसकी उपस्थिति हो जाएगी, तो उस समय उस आर्टिकल को या उस डाक वस्तु को वहां पर खोला जाता है। इंपोर्टेड पोस्टल आर्टिकल्स जिनमें कॉइन भी शामिल हो, बुलियन शामिल हो, या कुछ कीमती पत्थर है, या कोई ज्वेलरी वगैरह शामिल हो, या कोई सोने या चांदी के कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि कीमती हो अगर वो शामिल है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में कस्टम ड्यूटी के लिए लायबल होता है, और उसके बिना या उस कस्टम ड्यूटी को पे करे बिना वो आर्टिकल्स को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। यानी कि ऐसे जो आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेड पोस्टल आर्टिकल होते हैं, इम्पोर्टेड पोस्टल आर्टिकल्स जिनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जिनमें कॉइन, सिक्के, कीमती पत्थर हैं, ज्वेलरीज हैं, सोने चांदी की आर्टिकल्स वगैरह हैं, इन पर कस्टम ड्यूटीज लेने के बाद में, पे करने के बाद ही फर्दर इनको आगे ट्रांसमिट किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी ऐसी डाक वस्तु जो डाक के द्वारा नहीं भेजी जाएगी, ऐसी कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसे डाक के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है वो कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उनकी एक लिस्ट है इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का जो चैप्टर नंबर 6 है, अध्याय नंबर 6 है, वहाँ पर इसके अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उसकी सजा के संबंध में वहाँ पर प्रावधान है। बेसिकली इस पॉइंट से यहाँ से प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है। और इसी नोट पर इसी टॉपिक को करते हैं हम एंड, इस वीडियो का ये है अंत। धन्यवाद।